हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन मुझे ऑलरेडी मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 जनरल प्रॉपर्टीज का बच्चों में 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। बच्चों आज लेक्चर नंबर 6 है, चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पढ़ने वाले हैं, चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखें बच्चों वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, स्पीड ऑफ वेव है। बच्चों ये सारे टॉपिक्स आज इस लेक्चर में कवर करेंगे, चले हम समझते हैं। बच्चों देखिए मुझे टाइम पीरियड का डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है बच्चों? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन। देखिए बच्चों टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है? टाइम पीरियड का डेफिनेशन ये है, एक कम्प्लीट ऑसिलेशन, एक कम्प्लीट वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों जितना भी टाइम बच्चों रिक्वायर हो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। बच्चों अगर एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए टाइम बच्चों 2 सेकंड लग रहा है तो बच्चों हम कहेंगे टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है। बच्चों अगर बच्चों एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, अगर एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए बच्चों टाइम पीरियड बच्चों टाइम लग रहा है बच्चों 4 सेकंड, तो हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड 4 सेकंड है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी टाइम चाहिए होगा उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। देखिए बच्चों मैं यहाँ वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक में वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मुझे एक कंप्लीट अगर वेव मैंने प्रोड्यूस किया तो बच्चों क्या कहूंगा मैं? मुझे एक वेव कंप्लीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी टाइम चाहिए होगा उसे क्या कहा जाता है बच्चों? टाइम पीरियड। अगर इसको 0.1 सेकंड कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए लग रहा है तो हम कहेंगे क्या कहेंगे मैं? हम कहेंगे भाई इसका टाइम पीरियड क्या है बच्चों? 0.1 सेकंड है बच्चों। अगर इस तरीके से बच्चों अगर कोई भी वेव है जो एक वेव प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी मुझे टाइम लगे उसे क्या कहा जाता है बच्चों? टाइम पीरियड। देखिए बच्चों मेरे पास रस्सी है बच्चों, मैं उसे एक वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मुझे वेव प्रोड्यूस मैंने किया तो कंप्लीट होने के लिए जो वेव को एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए उस वेव को बच्चों 2 सेकंड टाइम लगा तो हम कहेंगे भाई उसका टाइम पीरियड क्या है बच्चों? 2 सेकंड। इसका मतलब ये हो गया बच्चों टाइम पीरियड क्या है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने के लिए जितना भी टाइम चाहिए होगा उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। बच्चों मतलब टाइम पीरियड को टी से जाहिर किया जाता है बच्चों, और जो टाइम पीरियड का यूनिट क्या है बच्चों? सेकंड है। बच्चों आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है टाइम पीरियड का यूनिट क्या है? सेकंड है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको टाइम पीरियड समझ आ गया। चलो समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। बच्चों फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स पर यूनिट टाइम। बच्चों फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है एक सेकंड में कितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। बच्चों मेरे पास रस्सी है बच्चों, अगर रस्सी मुझे एक सेकंड में 10 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चों 10 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर मुझे एक सेकंड में 10 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं कहूंगा इसका जो फ्रीक्वेंसी हो कितना होगा? 10 हर्ट्ज होगा। अगर मुझे एक सेकंड में मैं 20 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं कहूंगा भाई इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 हर्ट्ज है। इसका मतलब बच्चों ये हो गया एक सेकंड में जितने भी वेव्स प्रोड्यूस होंगे वो जो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। देखें बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ इसका डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस अपॉन टाइम। बच्चों कितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कितने टाइम में उसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। सपोज कह रहे हैं बच्चों मैं मेरे पास वही रस्सी है बच्चों, मैं 50 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ बच्चों 10 सेकंड में, 50 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा हूँ बच्चों 10 सेकंड में। बच्चों आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है एक सेकंड के लिए, तो हमें यहाँ क्या करना है? हमें यहाँ मालूम करना है एक सेकंड में कितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब बच्चों ये क्या है? ऊपर क्या है 50 वेव्स, नीचे क्या है टाइम। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड कितने? 50। टाइम टेकन बच्चों कितना है? 10 सेकंड। अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 50/10 बच्चों 0 0 से कैंसिल होगा, 5 हर्ट्ज आएगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? एक सेकंड में 5 वाइब्रेशन हो रहे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों? 5 हर्ट्ज है। देखिए मुझे फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल 1/T, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल 1/T। बच्चे देखिए यहाँ नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड, अगर बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स एक हो बच्चों 1 हो तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड, बच्चे यहाँ 1 लिखेंगे, और टाइम कितना है बच्चों? टी, आपको पता है एफ इज इक्वल 1/T होगा। और इसका यूनिट निकाले तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या है बच्चों? सेकंड है। जहां टाइम पीरियड है बच्चों वहां हमने क्या पुट किया? सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा बच्चों क्या होगा? सेकंड इनवर्स होगा। अच्छा आपको पता है सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज कहा जाता है बच्चों, इसलिए बच्चों फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। बच्चों नीचे क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी डिफाइंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। बच्चों इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। बच्चों आपको पता है रेसिप्रोकल किसे कहा जाता है? इनवर्स को। बच्चों इनवर्स जो बच्चों हो, देखिए बच्चों एफ और टी क्या है बच्चों? इनवर्स है, इसलिए बच्चों से कहा जाता है क्या बच्चों? रेसिप्रोकल। बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझा गया। चलो बच्चों पढ़ते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है?
हर्ट्ज है। अच्छा मैंने ऑलरेडी यहाँ यूनिट डिफाइन किया, समझाया आपको कि फ्रीक्वेंसी कैसा यूनिट क्या है बच्चों, हर्ट्ज है। अच्छा मेरे ख्याल में आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। और जो अगर ये क्लियर है चले हम समझते हैं कि वेव लेंथ क्या है बच्चों और स्पीड ऑफ वेव क्या होता है बच्चों, चले समझते हैं बच्चों। क्रिस्ट आर ट्रफ इन अ ट्रांसवर्स वेव एंड टू सक्सेसिव कंप्रेशन आर रिफ्लेक्शन इन अ लॉन्गिट्यूड वेव, ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। देखिए बच्चों क्या है वेवलेंथ, बच्चों बेसिकली वेवलेंथ है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट आर बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ बच्चों इन ट्रांसवर्स वेव। बच्चों ट्रांसवर्स वेव में पढ़ाया आपको, वहां मैंने पढ़ाया कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है बच्चों, क्रिस्ट होता है और ट्रफ होता है। और बच्चों लॉन्गिट्यूड में क्या होता है बच्चों, लॉन्गिट्यूड में हमारे पास होता है कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। चले बच्चों समझते हैं कि वेवलेंथ क्या है बच्चों। बच्चों वेवलेंथ बेसिकली दो जो क्रिस्ट है बच्चों उनके बीच में जो फासला है बच्चों उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है बच्चों वेवलेंथ। मुझे एक क्रिस्ट ये, दूसरा क्रिस्ट ये, देखिए मुझे यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ क्या कह रहा है, सक्सेसिव क्रिस्ट आर ट्रफ इन अ ट्रांसफर वेव। बच्चों ये क्रिस्ट है, दूसरा क्रिस्ट ये, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसे वेवलेंथ कहा जाता है बच्चों। इस तरह बच्चों हमारे पास ये ट्रफ है बच्चों, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। इसका मतलब बच्चों दो क्रस्ट के बीच में जो फासला है या दो ट्रफ के बीच में जो फासला है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे वेवलेंथ कहा जाता है बच्चों। देखिए मुझे ये क्या है, ये वेवलेंथ है, दो ट्रफ के बीच में या दो क्रस्ट के बीच में जो भी जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है वेवलेंथ। बस ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स है बच्चों। अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो फिर हम वेवलेंथ कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए हमारे पास बच्चों क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास कंप्रेशन होता है बच्चों और क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ये कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल केस में दो कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों उसे वेव लेंथ कहा जाता है बच्चों, उसे लैम्डा से लिखते हैं बच्चों। या बच्चों दो बच्चों रिफ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे बच्चों कहा जाता है वेव लेंथ। इसका मतलब बच्चों ये जो ये क्या है बच्चों, बच्चों ये हमारे पास रिफ्रैक्शन, ये भी रिफ्रैक्शन, बच्चों इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है वेव लेंथ बच्चों। इसको मैं लैम्डा से लिख रहा हूँ बच्चों। मेरे ख्याल में आपको वेव लेंथ समझ आ गया कि वेव लेंथ क्या है बच्चों, इज अ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आर कंसेक्यूटिव क्रिस्ट आर ट्रफ इन अ ट्रांसवर्स वेव। मतलब ट्रांसवर्स वेव के केस में हमारे पास दो क्रस्ट के बीच में फासला या दो ट्रफ के बीच में जो फासला है बच्चों उसे क्या कहा जाता है, जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है वेवलेंथ। जो अगर हमारे पास वेव लॉन्गिट्यूडनल हो तो फिर क्या होगा बच्चों, दो कंप्रेशन के बीच में या दो रिफ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस हो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है वेवलेंथ। जो आप देख रहे हैं एक कंप्रेशन ये है, दूसरा कंप्रेशन ये है। जो कंप्रेशन ऑलरेडी मैंने आपको समझाया, जहां पार्टिकल्स क्लोज हो उसे कहा जाता है कंप्रेशन, जहां पार्टिकल्स दूर हो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है क्या बच्चों, रिफ्रैक्शन। इसका मतलब ये क्या है, कंप्रेशन, ये कंप्रेशन जो इसका बीच में जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहा जाता है बच्चों। ये जो रिफ्रैक्शन ये क्या है, रिफ्रैक्शन, इसका मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा बच्चों उसे क्या कहा जाता है, वेवलेंथ। बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि वेवलेंथ क्या होता है बच्चों। अगर वेवलेंथ क्लियर है चले मुझे पढ़ते हैं कि स्पीड ऑफ वेव क्या है बच्चों। चले बच्चों समझते हैं कि वेव का स्पीड ट्रेवल करे बच्चों। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गिवन पॉइंट ऑन द वेव सच एज क्रिस्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए बच्चों अगर हमारे पास वेव एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों किसी गिवन टाइम में, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है बच्चों क्या, वेव स्पीड। बच्चों अगर हमारे पास वेव का एक पॉइंट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी गिवन टाइम में उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है बच्चों वेव स्पीड। तो इसलिए बच्चों मैंने स्पीड क्या लिखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, कितने टाइम में, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। बच्चों डिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं बच्चों और टाइम टेकन को टी से लिखते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ हमारे पास क्या होगा, जो डिस्टेंस है बेसिकली वो वेवलेंथ की इक्वल होगा। तो इसलिए बच्चों मैंने एस इज इक्वल टू लैम्डा लिखा। बच्चों जहाँ एस है वहां मैंने क्या पुट की, लैम्डा पुट किया बच्चों। जो वहां मैंने क्या पुट किया बच्चों, वहां मैंने लैम्डा पुट किया। बच्चों देखिए यह ठीक है हमारे पास टी बच्चों, जो टी है टाइम है बेसिकली वो टाइम पीरियड की इक्वल है बच्चों। इसलिए बच्चों मैंने क्या लिखा, जहाँ टी है बच्चों वहां मैंने बच्चों कैपिटल टी लिखा। जैसे ये लैम्डा है बच्चों, इस लैम्डा को मैंने साइड पे किया बच्चों, और क्या क्या बचेगा बच्चों, वन बचेगा, वन अपॉन टी बच्चों। हमने अभी पढ़ के आए पीछे एफ इज इक्वल टू क्या है बच्चों, वन अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टी बच्चों।
इसका मतलब बच्चों वन अपॉन टी जहाँ है वहां हम क्या पुट करें बच्चों, वहां हम एफ पुट करेंगे। इसलिए बच्चों मैंने क्या किया, जहां वन अपॉन टी था तो वहां मैंने एफ पुट किया, बी इज इक्वल एफ लैम्डा। बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन हो गया किसका बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन हो गया बच्चों वेव स्पीड का। बच्चों स्पीड ऑफ वेव का यूनिट क्या है बच्चों, मीटर पर सेकंड। बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बच्चों आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया बच्चों, आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, स्पीड ऑफ वेव क्या है बच्चों। मेरे ख्याल में आज ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बच्चों।